बड़ी खबर में बात करेंगे मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल की। हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजी का सख्त मुकाबला जारी है। पीडीएम की जानिब से वजीर आजम को मुस्ताफी होने की 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है और उसके साथ साथ काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल 26 दिन बाकी हैं, इसके बाद अपोजिशन क्या करेगी अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी है। अपोजिशन जमातों ने पहले जनवरी में लॉन्ग मार्च के इशारे दिए, उसके बाद फरवरी में लॉन्ग मार्च का फैसला आया और अब मरियम नवाज कहती हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान लोगों और मौसम की सहूलत को देख कर करेंगे। इस्तीफों के मामले पर भी अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। तहरीकी अदम एतमाद के हवाले से भी कोई मुत्तफ़िका लाए अमल अभी तक सामने नहीं आया है। अपोजिशन की इस कंफ्यूजन की वजह से हुकूमत काफी मुतमईन दिखाई दे रही है। वजीर आजम ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि पीडीएम की तहरीक से कोई खतरा नहीं, ये तहरीक सिर्फ एनआरओ के लिए है जो किसी सूरत नहीं दूंगा। और उसके साथ साथ अगर नैब की बात करें तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाले ने ऐवान बाला में नैब पर खूब चढ़ाई की और नैब अफसरों के असासे डिग्री और डोमिसाइल चेक करने का भी मुतालबा किया, लेकिन वजीर आजम नैब और एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी से खुश। ये सलीम मानवी वाला साहब, इनका ताल्लुक चूंकि पीपल्स पार्टी से है, मुसलसल इस बात की पर जोर दे रहे हैं कि नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। वजीर आजम कहते हैं कि नैब ने हमारे दौर में 389 अरब रुपए जबकि पंजाब एंटी करप्शन ने 206 अरब रुपए रिकवर किए। इसी सूरत हाल के ऊपर इस वक्त ये जो सियासी महाजराई है इसके ऊपर हम बात करते हैं और पॉलिटिकल टेम्परेचर कब डाउन होगा। बात करने से जरूरी है कि हम सब चाहते हैं कि आपको पता चले कि करंट अफेयर्स में चल क्या रहा है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, वजीर है पार्लिमानी उमूर के और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अली भाई बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सबसे पहले चूंकि आपने खुद बताना ही है तो हम ही पूछ लेते हैं कैसी हुई आपकी सुबह, हाउ इज योर डे स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम मुबारक अला सय्यदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सुबह है आज इस्लामाबाद की, बारिश हो रही है और सारी रात बारिश होती रही है और जाहिर बारिश की अपनी बरकत और खूबसूरती होती है, लेकिन कुछ चीजें खुशियां जो है वो मांग कर देती हैं। जिस तरह उसामा शहीद हुए हैं इस्लामाबाद में और जिस तरह से मच्छ में जो हमारे कुल माइनर्स शहीद हुए हैं 10-11 के करीब, तो कल तो शेख साहब गए भी हैं और जाहिर है बहुत दुख देने वाली बातें हैं। और आज 5 जनवरी है, सेल्फ डिटरमिनेशन डे फॉर कश्मीर। पूरी दुनिया के इंसानों का ये हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी हुकूमत का, अपने रहने सहने का वो इंतखाब कर सके, अपने इजहार राय आजादी का इजहार कर सकें। कश्मीर को अभी तक 73 साल में अपना ये हक नहीं मिला और मत भूलें कि पाकिस्तान की तहरीक आजादी से भी पुरानी तहरीक है तहरीक आजादी कश्मीर, क्योंकि हमने 1947 में करारदादे लाहौर पास की और उनकी 1929 से भी पहले की है, 1929 से बाकायदा इब्तदा हुई। तो इंशाल्लाह सारी कौम, सारे मुसलमान बिलखसूस कश्मीरी पुराज़म है कि जल्द बदर इंशाल्लाह। ठीक है, तो अली भाई आपने बारिश की बात की तो ये किसके अरमानों पे, ये जो बारिश की आपने बात की किसके अरमानों पे बारिश पड़ने वाली है जनवरी और फरवरी में, अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें। मैं आपको एक और नजर में आपको एक बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये यकीन कीजिए, हम मुतमइन नहीं है, हम रिलैक्स नहीं है। अगर किसी का ये ख्याल है कि अपोजिशन की एक नाकाम तरीके की वजह से मुतमइन हो गए हैं, देखें आप सफर में जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और हर्डल आते हैं, अपोजिशन की तरीक उसमें से एक हर्डल थी या है या किसी हद तक थोड़ी बहुत होगी, ज्यादातर तो वो मेरे ख्याल में नाकाम ही होगी। खास जिस तरह से जीबी में उनको शिकस्त हुई, जिस तरह से पेशावर ने रखी और फिर जब लाहौर उनके गढ़ में जाके जब वो उनको एक शिकस्त हुई है, वाटरलू में उसको कहते हैं उनकी सियासत का। लेकिन हम तो मुतमइन इसलिए नहीं है कि हमने तो 40-35 साल का जो सियासी हुकूमतों का और मिलिट्री डिक्टेटरशिप का सब मिला के 70 साल के मसाइल को हल करना है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें तो रात को नींद भी ठीक तरह से नहीं आती, क्योंकि देर आर सो मेनी चैलेंजेस। और हम मुतमइन तब होंगे जब अपने, देखें सारे मसाइल हल नहीं होंगे लेकिन जब हमें ये एहसास हो जाएगा कि हमने अपना 100% दे दिया है। बड़े चैलेंजेस हैं, अच्छी खबरें भी हैं काफी सारी, जिस तरह आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही है, एक्सपोर्ट्स में जो है काफी वो हुआ है और जहां तक नैब वगैरह की आपने बात की है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं आज उसका जवाब दूंगा सेनेट में मौका मिला तो। मांडवी वाला साहब मोहतरम है लेकिन सेनेट के फ्लोर को अपने जाति केसेस के लिए यूज मैं समझता हूँ बसत एहतराम कर नहीं करना चाहिए, उसके लिए अदालत के फोरम मौजूद है। अवामी फोरम अवामी मसाइल के लिए हल करें, अगर आपके पास तजावीज हैं वो लेके आए, लेकिन तजावीज जब लेके आते हैं तो FATF में जो 34 out of 38 रिकमेंडेशन इनकी थी वो सारी ही इनकी नैब के हवाले से थी,
तो वो अपने सेल्फ रिलीज के लिए, सेल्फ रिलीफ के लिए, तो मैं समझता हूँ इस तरह तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने कहा कि आप लोग मुतमईन नहीं बैठे हुए, लेकिन अभी हम अगर पीडीएम की बात करें तो उन्होंने सेनेट और जमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया और पीपल्स पार्टी ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि हम हुकूमत के लिए कोई भी इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्ट्रेटेजी हुकूमत की होगी इस सारी सिचुएशन में, जबकि पीपल्स पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है और पीडीएम भी इस बात पे कायम है कि वो वजीर आजम को घर भेजेंगे। देखिए, एक हुकूमती जमात के वजीर या रुकन होने के साथ साथ जो है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और सारी जिंदगी वकालत के बाद यही किया है। मैं समझता हूँ कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कि उन्होंने एक ठीक ठाक तहरीक से जो है वो दम खम निकाल दिया। किस तरह? पहले तो देखें, कोई भी अवामी नुमाइंदा इस्तीफे की बात आखिर में करता है, फिर 150 के करीब लोगों का इख्तियार जब एक अन इलेक्टेड शख्स लेना चाहे, क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है सर, उनके वालिद साहब मुल्क से बाहर हैं, डिस्क्वालीफाइड हैं, खुद वो आउट ऑफ द होल सिस्टम है, तो उनको तो मैटर नहीं करता ये असेंबली रहे ना रहे, इनके मेंबरान इस्तीफा दें ना दें, फिर उनका होल पार्टी में देखें कितना है कि डायरेक्शन दी कि जाके इस्तीफे दें। अली मोहम्मद खान साहब ये बताइए, इनकी तहरीक अंदर से टूट फूट का शिकार है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए अगर ये वाकई मुल्क की हेल्प करना चाहते थे और अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो अपोजिशन हुकूमत का आईना होती है, आप अवामी मसाइल को लेकर आते ना कि फौज पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, जर्नलों पे चढ़ाई करते, आप उर्दू स्पीकिंग लोगों पे चढ़ाई की, लाहौर में जाके लाहौरियों पे चढ़ाई की, मतलब है अबे कावा ही बिगड़ा हुआ है। बहुत सारे मामला ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है, जलसों के अंदर ऐसे थे जो कि कंडेमेबल है, आई एग्री विद दिस, लेकिन आगे बढ़ते हुए आप बताया कि पीटीआई कहीं ना कहीं जो मुजाकरात का कल्चर है पॉलिटिक्स के अंदर या जो टॉलरेंस का या पेशेंस का कल्चर है उसको फरोग नहीं दे पाई, ना आप मुजाकरात से माने अपने धरने के वक्त, आप एपीएस के वाके के बाद आपने कॉल ऑफ किया, और ना आप मुजाकरात से मनाना आपको आता है, आपकी कोई अगर हम रिसेंट पास्ट के अंदर देखें ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिसमें आपने मुजाकरात करने की कोई ऐसी कोशिश की हो जिसमें कामयाबी भी हुई हो और हर चीज को एनआरओ के उस चैप्टर के अंदर डाला गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो आपने एमनेस्टी स्कीम दी है इन्वेस्टर्स को और आप चाहते हैं कि इकोनॉमी स्टेबल हो, जब तक आप पोलिटिकल शक्ल बेहतर नहीं करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर नहीं हो पाएगी, क्या इसकी रियलाइजेशन है हुकूमत के अंदर? वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सर एक बात करते हैं कि आप अपने टारगेट, अपने आइडियल्स के लिए नजरिए, उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उस पर कभी करते। फॉर एग्जांपल ये पीछे कायद की तस्वीर लगी है, कायद बैठे रहते थे, उनके साथ घंटों डिस्कशंस करते रहते थे, डिस्कशन इस पे होती थी कि आजादी किस तरह से करनी है, अगर इस पर डिस्कशन होती कि आजादी लेनी है या नहीं लेनी, उस पर तो कोई बात, इट वॉज अ नॉन स्टार्टर। इसी तरह से इनके साथ जब आप गुफ्तगू करते हैं, बेसिकली इनका सारा डायलॉग इसलिए होता है कि नैब केसेज में इनकी टॉप लीडरशिप को रिलीफ मिले। इस वक्त उन्होंने अपनी लोअर कैडर लीडरशिप को भी हाईजैक किया हुआ है, सारे लोग, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग में करप्ट नहीं है ना, सबने तो करप्शन नहीं की ना, सारे जो हैं नैब जदा हैं, तो अपने इसके लिए उन्होंने सबको हाईजैक किया हुआ है। देखें मेरा सवाल ये है, आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, आप एक लॉ एक्सपर्ट भी हैं, आप एक बिजनेस शख्सियत भी होंगे यकीनी तौर पे, या आप बिजनेस शख्सियत से आपका वास्ता होगा, जिस तरह की शक्ल हमारी पॉलिटिक्स की या हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स की इस वक्त हमें नजर आ रही है पाकिस्तान में, इसके साथ पाकिस्तान इकोनॉमिकली उस सतह तक स्टेबल हो सकता है जिसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं, क्या हम उस राह पे चल रहे हैं आपको लगता है? देखिए, कुछ ना कुछ असर तो होता है अपोजिशन की तहरीकों का, जिससे फिर बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि स्टेबिलिटी हो, कोई हंगामे ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो, और वो जब इन्वेस्ट करें तो उनको कम से कम 2-3 साल 4 साल 5 साल जो है उनको बिल्कुल क्लियर एक रोड मिले ताकि वो आराम से अपना बिजनेस कर सकें। बिजनेसमैन आदमी, मैं बिजनेस कम्युनिटी से नहीं हूँ, बिजनेसमैन आदमी दुनिया का आखिरी आदमी होता है जो लड़ाई चाहता है, लेकिन इस वक्त इनकी तहरीक को अगर आप देखें उसमें तो दम खम ही नहीं है। हाँ, उनके सिर्फ एतमाद पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पे बढ़ रहा है, जिसकी एक्सपोर्ट्स जो हमारी बढ़ रही हैं तारीखी जो है कोविड के दौरान हमारी बढ़ी हैं, आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर बढ़ा है, आपकी पावर लूम 50,000 के करीब जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, और इसके साथ साथ आपका इस वक्त मजदूर को तो बेहतरी तो बहुत तेजी से आ रही है, और यही वो चीजें हैं माइक्रो इंडिकेटर्स जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो अपोजिशन के इस वक्त हाथ पैर पूरे में, कि एक तरफ माइक्रो इंडिकेटर्स जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनको अपना सियासी मुस्तकबिल मखदूश से मखदूश तर होता नजर आ रहा है, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह
अगली बार न सिर्फ बाकी पाकिस्तान बल्कि कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध में वजीर आला बैठा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अब आपकी ख्वाहिशात पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए और उस पर हर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स नाम ही इसका है कि कौन बर्तरी लेके जाता है। इस्लामाबाद के वाके का, उसामा वाके का आपने खुद भी जिक्र किया, साहिवाल वाके पे जब सवाल शेख रशीद साहब से किया गया जो आपके वजीर दाखिला है, उन्होंने कहा यार हम अपनी बात करेंगे, यानी कि उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि पंजाब शायद हमारा नहीं है, विफाक का नहीं है, पंजाब अलग है, साहिवाल अलग है और विफाक अलग है, कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है। मोटरवे केस उठा लें, कोई ऐसी एग्जाम्पल अब तक आपके दौर की नहीं है जिसमें ऐसा वाकया हुआ हो और सजा ऐसी हुई हो कि लोग उससे इबरत हासिल करें। पुलिस का जब भी आपको याद होगा एक बैरिया टाउन में वाकया हुआ था, खातून के साथ पुलिस वालों ने ज्यादती की थी, वो छूट गए, राजीनामे हो जाते हैं, सेटलमेंट्स हो जाती हैं और आप वकील, आपको पता है कैसे होती हैं। तो ये उसामा वाले केस पे कुछ करेंगे आप या ये भी ऐसी जाएगा? लगता ऐसी है, अवाम में कोई होप नहीं है, अवाम कहती है ऐसी जाएगा ये भी? नहीं, शेख साहब खुद तशरीफ ले गए थे, उन्होंने यकीन दहा पानी भी कराई है, मैं भी कल गया हूँ और वहाँ फातिहा के बाद उनके साथ डिस्कशन हुई है, उनके जो खदशात हैं उनके पहुंचाऊंगा और मैं समझता हूँ कि इस्लाम में जो है ये देखिए इस्लामाबाद पुलिस का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस बेहतरीन की सर्विस है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आया है। अभी पिछले दिनों जनाब इमरान खान साहब ने एक बहुत जबरदस्त पासिंग आउट प्रोग्राम में हम गए, उनके जो है रिक्रूट्स पास आउट हो रहे थे, बेहतरीन उनकी डिसिप्लिन सब कुछ, लेकिन ये एक वाक्य ऐसा हुआ है जिसने सबके जो है आंखें खोल दी हैं और मैं समझता हूँ ये अब एक बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पे बात आ गई है कि इससे अब आगे डिसाइड होगा कि रियासत ने आगे कैसे चलना है। हुकूमत ने तो बड़ा सख्त इस पर मौकफ लिया है और इंशाल्लाह उनके जो खानदान है तो इमरान खान साहब, वजीर दाखिला साहब, इन सबकी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की कोशिश होगी कि उनके खानदान की तसली के मुताबिक जो है वो काम हो। दूसरा जो आपने सवाल उठाया वो बात आपकी सही है कि बाज़ औक़ात जो है बल्कि अक्सर औक़ात जो है वो राजीनामे हो जाते हैं, लेकिन उसमें राजीनामे में उनकी मर्जी कितनी शामिल होती है ये क्वेश्चन मार्क होता है, बाज़ औक़ात कोर्स किया जाता है या पैसा जो भी होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो वाकया है, मैं उनके वालिद साहब से मिला हूँ, बहुत दर्दमंद है, बहुत दुखी है, तो मैं नहीं समझता कि वो कातिलों को सजाए मौत से कम किसी भी चीज पे वो लोग राजी होंगे। अल्लाह करे सर, लेकिन सबूत भी तो हो ना, पुलिस ने अगर खुद किया तो सबूत कहाँ से मिलेंगे। बट अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आप वी होप कि आप इसको फॉलोअप करेंगे, बीइंग अ सीनियर मिनिस्टर, सीनियर पॉलिटिशियन इन तहरीक इंसाफ, और जो इंसाफ है वो मिलेगा, तहरीक इंसाफ है आप तो इंसाफ मिलना ही चाहिए, लेकिन अभी तक एज ऑफ सेट कोई ऐसी मिसाल है नहीं, अनफॉर्चुनेटली, देखते हैं क्या होता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते हैं एक्सप्रेस।